कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की आवाज उठ रही है। इस बीच एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना महामारी के चलते परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की गुजारिश की है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के छात्र इससे भी भयानक दौर के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी होगी। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ बनेगी और जेईई और नीट की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन छात्रों को मेरी सलाह है कि वो सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रहे। अगर आप इस सरकार से सहानुभूति और निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराश होंगे। मौजूदा समय में देश भर के छात्रों ने ये मांग की है कि कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए CBSE के कंपार्टमेंट की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और UGC नेट, क्लैट, नीट और JEE की प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित करने की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को देश भर से स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सभी एंट्रेंस और फाइनल ईयर के एग्जाम्स पोस्टपोन करने की मांग की है। स्टूडेंट्स ने कहा कि इस वक्त देश में हर दिन कोरोना के 70,000 केस सामने आ रहे हैं, कई मौतें हो रही हैं। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि एग्जाम सेंटर्स भी घरों से अभी काफी दूर हैं और सेंटर में लाखों स्टूडेंट्स का एग्जाम देना बहुत खतरनाक है। इस वक्त देश भर में कई जगह बाढ़ की वजह से लोग मुसीबत में हैं। इन हालात में सेंटर तक जाना एक अलग चुनौती है। नीट एग्जाम 13 सितंबर को है और जेईई 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोनों के लिए 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया है।